मैं चंद्रा आसाम से कविताएं कुछ पढ़ूंगा। तो कविता का शीर्षक है काम पर। खेतों में काम करते करते कष्ट हो गया था, खेतों में काम करते करते कष्ट हो गया था, यूं ही नहीं नदी किनारे चला आया था। इधर उधर निहारने के बाद मैंने देखा सैकड़ों मजदूरों को नदी के उस पार, जहां सैकड़ों झोले थे, सैकड़ों झोले में टिफिन, उसमें खाना था कि नहीं हमको नहीं था मालूम। एक बहुत पुरानी काठ की नाव थी जिस पर बैठने का मेरा मन भी किया, तो तुम्हारी पांसुल से कटी अंगुली की याद आ गई। मैं उन बालू ढोते मजदूरों से क्या पूछूंगा पहला मई मतलब क्या होता है, मैं क्यों पूछूंगा उन बेलचा चलाते हाथों से, जिन हाथों ने देखे हैं कई फोड़े कई छाले भरे दिन। मैं क्यों पूछूंगा लीलार से जो पसीना बह रहा है उसका नाम क्या है। उनकी प्रिया दिन भर बीते भर के खेत में टहलती होंगी, खेत वन में सब्जी की जुगाड़ करती होंगी और आंगन में गौरियों को दाना छीटती होंगी। जब वे डाला से चावल झटक कर फटकती होंगी, मेहनत और प्यार मतलब क्या होता है, मेहनत और प्यार मतलब क्या होता है, मैं उन जवान मजदूरों से नहीं पूछ पाया कभी। मैं कवि हूँ और इसके लिए शर्मिंदा हूँ। नदी रोजमर्रा की चिंताएं मुझे सांस सांस सताती हैं और अचानक मैं नदी के गहरे जल में गिरता जाता हूँ, घिरता जाता हूँ सूरज को कहते हुए कि सूरज बता, इतने दिन से तू दिन के काम पर है, तुम्हारी कुल मजदूरी अब तक कितनी मिली। कविता दूसरी है, कविता का शीर्षक है गीत। कविता का शीर्षक है गीत। हम लोग गीत गाते हैं, हम लोग गीत गाते हैं सामूहिक श्रम करते हुए, लेकिन लोग गीतों की तरह मेहनत का जिंदगी नहीं। आग के मुंह पर बैठा हुआ आदमी एक हाथ से नाखून चबाता है और एक हाथ से चूल्हा झोंकता है। गाने के बारे में सोचता है वहाँ कोई लोक गीत, कोई भी गर्म गीत श्रम से प्यार से, पर गा नहीं पाता है, गा ही नहीं पाता है। उसके हलक से आया हुआ स्वर भी भीतर की ओर चला जाता है और वह चुपचाप आग का साथ चखता रहता है। भूल जाता है गाना बिरहा निर्गुण चैता भूल जाता है। एक आदमी हल जोतता है इतनी धूप में कि रूप मुरझा जाता है, पसीना बहने लगता है और ओह सहने लगता है। ओठ उसके हो जाते हैं चुप और जो शहद की तरह गीत सभी हल रेखा के बीच दब जाते हैं, एक दिन शब्द बन जाते हैं, तब उसके लिए गाना बचता ही क्या पंछियों। फिर भी गाता है वह, गाता है वह, यही रे धरती धरतिया उगे फसलिया हो जेके करेला मजूरवा किसान। आगे कौन लिखेगा कौन धरती का लाल, आगे वही लिखेगा जो जोतेगा हल, जो बोएगा धान, जो काटेगा धरती, जो बटोरेगा आसमान। तीसरी कविता में पढ़ा, कविता का शीर्षक है सुंदर तो बस काम होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि काम कोई भी हो सुंदर नहीं हो सकता, लेकिन मेरे कहने का मतलब जो श्रमिक वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो श्रम से सीधे अनाज और सीधे जो श्रमिक हैं या जो मतलब कि जो निर्माण करते हैं उनका श्रम अलग होता है। मैं कविता शुरू करता हूँ। सुंदर तो बस काम होते हैं। बैल हांकते हुए या कंधे पर कुदाल या लकड़ी का हल ढोते हुए जब
हम खेतों से घरों की तरफ लौट रहे होते हैं, मुरझाए हुए से दिखते हैं, सुंदर नहीं दिखते। मेरे कहने का मतलब सुंदर कुछ नहीं, एक खटते खटते किसकाए हुए कृषक की देह और एक हाड़ मांस काया वाले बैल सुंदर नहीं हो सकते। सुंदर तो बस काम होते हैं, क्रिया होती हैं, और भूख में कच्ची अधपकी रोटी बहुत मधुर। चौथी कविता, वहां भी जीवन है, उसके वन में भी खिलते फूल हैं। वहां भी जीवन है, उसके वन में भी खिलते फूल हैं, लेकिन वह अब भी सुंदर नहीं है। उसके मेहनत की माटी तुम्हें सुंदर बनाती है, फिर भी तुम्हारी आत्मा उनसे घिनाती है। तुम अगर उसे सुंदर बना नहीं सकते, उसके साथ हो लो, उसके साथ खटते खटते मैल सब धो लो। पांचवी कविता में पढ़ता हूँ, छोटी है कविता। कविता का शीर्षक है गेहूं कटनी। गेहूं कटनी के लिए इतने हसुए हैं, इतने लोहार हैं, हसुआ पीटने वाले। दुख काटने के लिए क्या कोई हसुआ नहीं बना, कोई लोहार जो दुख को आगे में गरम कर पीट सके टन टन। दोस्तों, मेरे मजदूर दोस्तों, दुख, यह दुख ही ऐसा लोहार है कि हर बार काढ़ देता है हसुआ में दांत बहुत धारदार। कभी काट देता है दिन, कभी काट देता है रात। एक कविता है बैगन की आत्मकथा। आपको मालूम हो या न हो, आजकल बहुत देखने को मिलता है किसानों को कि 1-2 रुपया भाव में बैगन बिक्री हो रहा है, कितना दुखद है। सुनिए बैगन की आत्मकथा। भाई तुम्हारी खुरपी कहाँ है? उसने कहा, वहाँ रसोई घर के मिट्टी लगी बेदी पर। भाई उसे उठा लाओ यहाँ, मैं रेल की पटरी जैसी निहाई के पास बैठा हुआ हूँ, जहाँ हथौड़ी भी है और तेज धार करने वाली रेती भी। भाई आओ जरा इस पत्थर पर भी पजा लें अपनी अपनी खुरपियों को, तब चलें आषाढ़ के धूप में और किसान के रूप में और चिड़ियों के चूप में, तब चलें पसीने से बातें करने, तब चलें पीठ भिगोने, जब गर्मी से शरीर की पूरी शक्ति झर जाएगी, बैगन के पत्तों से आत्मा जब खजवाएगी, नाक से छींक आएगी, तकलीफ भी बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, और वही 1-2 रुपया किलो की कीमत रहेगी बैगन की, तो आशा न रहेगी आंखों में। फिर भी भाड़ा लगाकर ऑटो में ले जाऊंगा क्या बैगन उसी लंका बाजार, और बाजार में 10 बस्ता बैगन फेंक कर तमाशा देखूंगा मैं जनगढ़ का। फिर भी मेहनत होगी, मेहनत की लगन होगी, बैगन के पत्तों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता रहेगा, फिर भी बैगन के चोखे का स्वाद लेते रहेंगे कीड़े, ढेर सारे कीड़े, कविता का शीर्षक है बछिया। हम किस गेहूं के खेत में रोएं, हमारी बहनें पूछती हैं। हम कैसी बछिया हैं कि जिस खूंटी से बंधी
रस्सी तुड़ाकर भागी थी, उसे पकड़ने वाला पूरा का पूरा गांव जवार था। हमारी बहने कहती हैं, हम बांध दी गई फिर उसी पेड़ के नीचे, उसी खूंटी में, हम किस गेहूं के खेत में रोए, प्यास लगी है किस नदी किनारे पानी पिए, गुलामी की जंजीरें पहनकर हम कैसे जिए। क्या करें हम बेटी, मन अकुताए तो कहाँ जाएं, बर्तन मांजे खाना बनाएं, गोबर फेंके बकरी देखें कहाँ कहाँ झाड़ू लगाएं, या खेती में खटें या मर जाएं, हम कैसे दुखड़ा दिल सिए। हम सबसे कम पढ़ लिख कर, हम सबसे कम पढ़ लिख कर कैसे बहुत सारे पैसे कमाएं, कि माई बाप खुश हो जाएं, कैसे बहुत सारे पैसे कमाए, हम सबसे कम पढ़ लिख कर।